दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देश में कोरोना मामले बढ़ने के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए भी प्रयास लगातार जारी हैं। इस कड़ी में एक्सेल वेव्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली कंपनी ने कोरोना की जंग में कोरोना किलर नाम का डिवाइस बाजार में उतारा है। कंपनी द्वारा दावा किया जा रहा है कि कोरोना डिवाइस कोरोना किलर आसपास के वातावरण में न सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि बाकी तरह के वायरस और बैक्टीरिया को भी खत्म करने का काम करेगा। डिवाइस के डिफरेंट मॉडल एरिया रेंज के हिसाब से 15,000 की कीमत से शुरू होकर 3,00,000 तक की कीमत के हैं। कोरोना किलर आसपास के वातावरण को डिसइंफेक्ट करने में कितना कारगर साबित होगा इसके लिए कंपनी ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से भी अप्रूवल लिया है। जरूरतमंद लोगों को डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए कंपनी द्वारा केंद्रीय सरकार से सब्सिडी की बात भी रखी गई है। आज जो ये प्रोडक्ट दिल्ली की जनता के लिए जो लॉन्च किया हुआ है ये एम्बिएंट एयर को आयनाइजेशन के माध्यम से आयन्स में कन्वर्ट करेगा और ये आयन हवा में दोबारा मिक्स हो गए और जहाँ हवा पहुँचेगी वहाँ ये आयन्स पहुँचेंगे और जिसी भी कोने में जिसी भी नुक्कड़ में जिसी भी चीज़ के ऊपर कोरोना वायरस या कोई बैक्टीरिया कोई फंगस या कोई दूसरा वायरस होगा तो उसको डिसइंटीग्रेट करके सरफेस को डिसइंफेक्ट करेगा और हमें इन्फेक्शन से बचाएगा। इसका एरिया कितना होता है अगर एरिया की बात करें? हाँ, एरिया की बात करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉडल्स है, डिफरेंट टाइप के डिवाइस है। 300 स्क्वायर फीट से लेके 6,000 स्क्वायर फीट तक लगभग 7 मॉडल्स है। उस मॉडल्स में 300, 1,000, 3,000, 6,000 और 500 और कार के लिए अलग मॉडल है और आपका सब्जी और फल फूल जो आप घर में लेके आते हो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए अलग मॉडल है। इसकी क्या गारंटी है कि ये जो वायरस है ये ख़त्म हो जाएगा? हाँ, ये जो वायरस ख़त्म होता है कि नहीं होता है उसका टेस्टिंग हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो ICMR इंस्टीट्यूट है जो कोविड का प्रोटोकॉल पूरे हिंदुस्तान को से फॉलो कराता है उनकी NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में इसका टेस्टिंग किया हुआ है। वो सर टेस्ट सर्टिफिकेशन उन्होंने टेस्ट एफिकेसी सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। तो अगर प्राइस की बात करें तो कितना है इसका प्राइस है? प्राइस इसका लगभग 15,000 रुपये से लेके 3,00,000 तक डिफरेंट मॉडल का एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग प्राइस है। प्राइस यदि किसी को वो मशीन जिनको ये मशीन चाहिए वो हमारे गोयल साहब के जो भी नेटवर्क है उनसे बात करेंगे तो उनका क्या रिक्वायरमेंट है कितना एरिया है ये समझ के हमारी पूरी दिल्ली की जो टीम है वो उनको अच्छा प्राइस और अच्छा मॉडल सजेस्ट करेगी। क्या इसको लेकर क्योंकि कोरोना के जो केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं क्या सरकार से भी कोई बातचीत की है आप लोगों ने? हाँ, हमने बहुत सारे राज्यों के सरकार से बात करी है, ओडिशा गवर्नमेंट से बात करी, कर्नाटका गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अभी हमें दिल्ली की जो टीम है वो बात करेगी। कर्नाटक गवर्नमेंट में हमारी बात हो रही है और वहाँ पर ओडिशा भी हो रहा है, वहाँ पर भी हमारी बात हो रही है। कोविड सेंटर्स में हमने मशीन तरीके से क्या कंक्रीट वॉल के अंदर काम करेगी, ओपन स्पेस में भी काम करेगी? वॉल के अंदर काम करेगी। ओपन स्पेस में क्या है कि जैसे आप एसी लगाते हैं, एसी खिड़की बंद है तभी भी चलता है, नहीं है तभी चलता है, लेकिन खिड़की यदि आपकी खुली है तो ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक दैट उसके अंदर भी काम, वॉल के अंदर काम करेगी, छत होना चाहिए। जैसे शादी वगैरह, हाँ, शादी का जो पंडाल होता है उसके अंदर करेगी। पंडाल मतलब क्लोज होना चाहिए, जिस तरीके से गांव में जो शादी का पंडाल लगाता है उसमें नहीं करेगा। जिस तरीके से सर आपने कीमत बताई है, हिंदुस्तान का बड़ा तबका ये अफोर्ड करने में असमर्थ है, तो आपकी तरफ से या कोई सब्सिडी या प्रयास किया जाएगा कि जो हिंदुस्तान का जो बड़ा तबका है वहाँ तक पहुँच सके आपकी चीज? हमने दो सब्सिडी की बात करी हुई है सर, केंद्र शासन से बात की है, महाराष्ट्र शासन से भी बात की हुई कि GST इसका यदि नील कर देते, माफ़ कर देते तो उसका कीमत बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा यह है कि यदि गवर्नमेंट कोविड सेंटर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और जहाँ जहाँ लोग NGOs अभी कोविड पेशेंट्स को मदद करने जा रही है उन लोगों को कम से कम या शुगर पेशेंट्स है, डायबिटीज़ पेशेंट्स है, जो कोमोडिटीज के जो पेशेंट्स है उनको यदि सब्सिडी में गवर्नमेंट ये मशीन खरीद के देती है तो वो लोगों के पास पहुँच जाएगी सर, उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आपने अपनी मशीन का कहीं ट्रायल अभी चल रहा है आपका? हाँ, किसी हॉस्पिटल में या फिर इस तरीके का आपने कहीं लगाया? बहुत जगह सर, आज तक लगभग हमने 2700 मशीन हिंदुस्तान में बेची हुई है और बाहर अराउंड 300-400 मशीन
US में हमने मशीन भेजा है, फिलीपींस में मशीन भेजा हुआ है, दुबई में मशीन भेजा हुआ है, अबू धाबी में मशीन गया हुआ है, अफ्रीका के दो तीन कंट्रीज में गया हुआ है, तो ये ट्रायल हमने ले चुके हैं। जिस तरीके से मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, भारत को सशक्त बनाने की बात करते हैं, तो आपने पीसी में भी बताया था कि ये भारत में ही निर्मित है, जो 100% इसका जो पार्ट्स है वो भारत में ही बने हुए हैं। भारत में निर्मित है, इसका सबूत मेरे पास है। वो सबूत ऐसा है कि यह मशीन जब बनाया तब हमारा पूना सिटी कंप्लीट क्लोज था, पूरा हिंदुस्तान स्तब्ध था, शांत था। उस वक्त हमारे फैक्ट्री में जितना कुछ मटेरियल हमें मिलेगा उससे ज़्यादा मटेरियल कहीं से कुछ भी नहीं मिल सकता था, और जो हमारे दिमाग में था वो हम करके उसको सामने आपके सामने लेके आए, और उसी को लेके आप पता कर सकते हैं कि चाइना से कहीं कुछ भी मटेरियल अभी भी नहीं आ रहा है, और मतलब चाइना से नहीं आ रहा है, किसी भी कंट्री से उस वक्त कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं था, तब हमने इसको बनाया सर। सो इट्स कम्प्लीटली इंडियन और मेक इन इंडिया, और उसी से मोटिवेट होकर सर हम लोग इस काम को किया हुआ है। हाँ सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी आपको पता होगा कि ICMR इज इम्प्लीमेंटिंग द कोविड प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे हिंदुस्तान में कोविड का प्रोटोकॉल ICMR इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन गाइडलाइन किसका है? ICMR को, पूरा WHO का गाइडलाइन है। आप ICMR का टेस्ट सर्टिफिकेट लेंगे मेरे मशीन का, या ICMR का कोई भी लेटर लेंगे तो उसके ऊपर WHO का थप्पा लगा हुआ है, क्योंकि WHO हर जगह जाके काम नहीं कर सकता, इसलिए ICMR जैसी उनकी सिस्टम कंसर्न या उनकी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में काम कर रही है, इंडिया के कंट्रोल में, लेकिन उनके गाइडेंस में, तो वो WHO का ही हमारे पास सर्टिफिकेशन है।